ये दोनों पॉलीसेक्राइड तो थे जो होते हैं हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे उन पॉलीसेक्राइड्स की जो बेसिकली एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को स्टार्च के साथ याद रखा जाता है इस बेसिस पे, क्योंकि स्टार्च इज़ द स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स। या अगर आपको पता हो कि हमारी बॉडी में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होता रहता है। सो ग्लाइकोजन जो है इट इज़ अगेन अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग है, ये ब्रांच्ड है, यहाँ पे ब्रांचिंग हमें दिख रही है, और जो ब्रांचिंग है इट इज मोर देन दैट सीन इन अमाइलोपेक्टिन। जो हमने स्टार्च में या स्टार्च का भी अगर हम पर्टिकुलरली बोलें, जितनी ब्रांचिंग हमने अमाइलोपेक्टिन में देखी थी, अमाइलोपेक्टिन से कहीं ज़्यादा ब्रांचिंग हमें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे भी जो बॉन्डिंग्स होंगी वो सेम होंगी, दैट इज़ अल्फ़ा 1,4 लिंकेज लीनियर पे एंड अल्फ़ा 1,6 लिंकेज, दिस इज़ ओनली एट द ब्रांच पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड विच इज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स एज इन एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ काइटिन। काइटिन सबको पता है कि एक्सोस्केलेटन और आर्थ्रोपॉड्स में प्रेजेंट होता है। ये है होमोपॉलीमर, और नाउ इट इज़ नॉट अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। तो एन एस, अभी हम देखेंगे जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको कई जगहों पे शॉर्ट शॉर्ट एन ए जी भी लिखा होता है। तो अगर ग्लूकोज में से एक सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप की जगह, मतलब सॉरी अल्कोहल ग्रुप की जगह अगर हटा के यहाँ पे एसिटाइल अमीनो ग्रुप लगा दिया जाए तो उसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। सो ये सिर्फ और सिर्फ बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो लीनियर, इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर है, दैट मीन्स अनब्रांच्ड है। और यहाँ पे जो हमें लिंकेज दिखती है वो होती है बीटा 1,4 लिंकेज। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। तो अभी तक हमने जितने देखे उसमें से यही एक पहला है जो हेट्रोपॉलीमर है। दैट मीन्स व्हेन इट विल ब्रेक डाउन इट विल नॉट जनरेट ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड या इट विल नॉट जनरेट ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है। तो लेट्स देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। नाउ यू शुड रिमेंबर दैट डिफरेंट कि हमने जो पहले पढ़ा था काइटिन में था वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन था, दैट मीन्स ग्लूकोज में एसिटाइल अमीनो ग्रुप लगाया था, लेकिन यहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन है जिसमें गैलेक्टोज में अमीनो एसिटाइल अमीनो लगाया जाता है। तो ये बना होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन से प्लस ग्लूक्रोनिक एसिड से। ग्लूक्रोनिक एसिड एक्चुअली इज़ अ प्रोडक्ट, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा जाता है सो वन ऑफ द अल्कोहल ग्रुप चेंजेस टू कार्बन, जो लास्ट कार्बन है लाइक द सिक्स कार्बन का जो अल्कोहल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और उसको बोला जाता है ग्लूक्रोनिक एसिड। एंड इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। ऑल दो इसकी लिंकेज आपको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट लिंकेज दिख रही है, बट स्टिल आप देख सकते हो, आप फिर भी अगर चाहो तो पढ़ सकते हो कि अगर ग्लूक्रोनिक जहाँ पे ग्लूक्रोनिक यूनिट्स अटैच होंगे वहाँ पे जो हमें लिंकेज मिलेगी वो होगी 1,4 लिंकेज, और जहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन अटैच होंगे वहाँ पे हमें लिंकेज मिलेगी 1,3 लिंकेज। सो अगर हम बात करते हैं एनिमल पॉलीसेक्राइड्स की तो वहाँ पे हमारे पास है ग्लाइकोजन, काइटिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट आपने नाम भी सुना होगा, बेसिकली ये कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है। जब ओल्ड एज हो जाती है तो इसके सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं द पर्सन विच आर हैविंग जॉइंट प्रॉब्लम्स। सो ग्लाइकोजन, काइटिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये होमोपॉलीमर है, ये भी होमोपॉलीमर है, एंड दिस इज हेट्रोपॉलीमर, दिस इज ब्रांच, दिस इज लीनियर एंड दिस इज ऑल्सो लीनियर, एंड इनके लिंकेजेस आर ऑल देयर। सो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, या हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि बेसिकली हम सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स में ही पढ़ रहे हैं। सो पहले नाम देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स हमारे पास होते हैं ग्लूकोजामीन, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस करा था ग्लूकोजामीन में वन ऑफ द अल्कोहल ग्रुप इज रिप्लेस बाय अमीनो ग्रुप, द नेक्स्ट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, द नेक्स्ट वन इज
ग्लूक्रोनिक एसिड, एंड द लास्ट वन इज ग्लूकोज 4-sulfate. ऑल्दो देर आर मेनी अदर डेरिवेटिव एज वेल, बट हम वी आर फोकसिंग ऑन ओनली दोज डेरिवेटिव विच आर मैंशन इन आर बुक. सो ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन में बेसिकली अमीनो ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, मतलब हाइड्रोक्सिल सॉरी अल्कोहल ग्रुप हटा के वहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा दिया जाता है, तो वो बन जाता है ग्लूकोजामीन. अगर हम ग्लूकोजामीन का स्ट्रक्चर देखें तो इट विल बी लाइक दिस. एट दिस कार्बन वील गेट NH2. यहाँ पे इनिशियली OH प्रेजेंट होता था, रेस्ट ऑल विल रिमेन सेम, बट यहाँ पे NH2 आ गया, सो दिस इज ग्लूकोजामीन. द नेक्स्ट एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन में क्या होगा, हमारे पास एसिटाइल अमीनो ग्रुप विल बी प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन. तो सेकेंड कार्बन में एसिटाइल अमीनो, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास होगा NHCOCH3. सो दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. द थर्ड वन इज ग्लूक्रोनिक एसिड. अभी मैंने पहले भी बताया था कि ग्लूक्रोनिक एसिड जो है वो बेसिकली बनता है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाती है. तो इसमें यहाँ पे ग्लूक्रोनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन, सो इट विल बी लाइक दिस. रेस्ट ऑल विल रिमेन सेम, बट यहाँ पहले हमारे पास CH2OH होता था, लेकिन अब ये CH2OH जो है वो चेंज होके हो जाता है COOH, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें थी वो एज इट इज सेम रहेंगी. सो दिस इज ग्लूक्रोनिक एसिड, एंड द लास्ट वन इज ग्लूकोज 4-sulfate. सो एज द नेम सजेस्ट ग्लूकोज 4-sulfate, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सल्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, और कौन सी पोजिशन पे, फोर्थ पोजिशन पे. तो अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएं तो इसकी फोर्थ पोजीशन पे, जहाँ पे यहाँ पे पहले अल्कोहल ग्रुप था, नाउ दिस अल्कोहल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय सल्फेट ग्रुप विच इज SO(O)3H. सो दिस इज ग्लूकोज 4-sulfate. सो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीसेक्राइड. डेरिवेटिव्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली मोनोसेक्राइड ग्लूकोज. अब ये रिप्लेसमेंट किसी में भी हो सकती है, जैसे हमने एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, जहाँ पे ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज में अमीनो ग्रुप ऐड करा गया. सो दीज आर द डेरिवेटिव्स जहाँ पे कभी कभी कोई एक ग्रुप हटा के दूसरे ग्रुप को लगा दिया जाता है, या किसी एक रिएक्शन की वजह से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है. फर्दर इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ ये है कि ये डेरिवेटिव्स मिलके भी फर्दर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं. मतलब ये डेरिवेटिव्स मिलके कुछ ऐसे पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे जो हमारे लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम पहले देखें इनके फंक्शन की बात, सो इनका फंक्शन बेसिकली है कि दे आर इम्पॉर्टेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एज are sometimes found in association with proteins or lipids. काफ़ी बार हम पढ़ते हैं glycoproteins, glycolipids. So basically काफ़ी बार जो glucose molecule है या carbohydrate molecules जो हैं वो combine कर जाते हैं lipids के साथ या फिर proteins के साथ, तो उनका भी एक बहुत important role होता है, वो भी बहुत important function perform करते हैं. The next is ये जो है ये combine करते हैं, they combine to form कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स. इनको मिला के कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स बनाए जाते हैं विच आर प्रेजेंट इन वन वे और द अदर इन आर सिस्टम. और बेसिकली वो जो फंक्शंस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, उनके फंक्शंस ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कार्टिलेजेस में, आइलेंस में, स्किन में, बैक्टीरियल सेल वॉल में. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ओनली, ऐसे तो देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स. So now let us begin with the complex polysaccharides. So the first complex polysaccharide जिसके बारे में बात करने वाले हैं, that is glycosaminoglycans जो है वो polymer है, वो बना हुआ है किससे, it is polymer of amino sugar and uronic acid. सो अगर हम बात करें अमीनो शुगर, मतलब वो शुगर जिसमें अमीनो ग्रुप अटैच है, तो दैट शुगर कैन बी ग्लूकोजामीन और इट कैन बी गैलेक्टोजामीन एंड यूरोनिक एसिड. बेसिकली यूरोनिक एसिड्स बनते हैं जब हम ग्लूकोज को या मोनोसेक्राइड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं. जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर ग्लूक्रोनिक एसिड बना देते हैं, तो उसी तरह यूरोनिक एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, ग्लूक्रोनिक एसिड.
सो ये जो पॉलीमर्स हैं ये बने हुए हैं अमीनो शुगर से और यूरोनिक एसिड से. अमीनो शुगर में भी इट कैन बी ग्लूकोजामीन और गैलेक्टोजामीन, और यूरोनिक एसिड में जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो है ग्लूकोरोनिक एसिड. इसके अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो, अच्छा उससे पहले इनको दे आर ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज, इनको कॉमनली हम बोलते हैं म्यूको पॉलीसेक्राइड्स. अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पे बेसिकली पढ़ा होगा म्यूको पॉलीसेक्राइड जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का. इसके अलावा और एग्जांपल्स जो हमारे पास यहाँ पे हैं विच आर ऑल्सो ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन, बिकॉज ये पर्टिकुलरली किसी कंपाउंड का नाम नहीं है, ये नाम है एक कैटेगरी का, एक क्लासिफिकेशन का. इट इज़ अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिसमें बहुत सारे कंपाउंड आ जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे हाइलुरोनिक एसिड, कोंड्रोइटिन सल्फेट जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, एंड हेपारिन. हेपारिन इज़ अ नेचुरल एंटी कोएगुलेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी, और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हमारे आइलैंड्स में प्रेजेंट होता है. सो ऑल दीज एंड वन मोर थिंग, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ये होमोपॉलीमर्स नहीं है, दीज आर नॉट होमोपॉलीमर्स, बिकॉज ये सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से नहीं बने हुए. अगर इनको ब्रेक डाउन करा जाएगा तो वील गेट टू टू थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इनको ऑल दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स, हेट्रोपॉलीमर्स. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इज प्रोटियोग्लाइकन्स. ओके सो द नेक्स्ट वन इज प्रोटियोग्लाइकन्स. प्रोटियोग्लाइकन्स जो होता है वो बना हुआ होता है, इट इज़ ऑल्सो अ हेट्रोपॉलीमर. ये बना हुआ है ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स जो अभी हमने फर्स्ट वाला देखा था, अगर वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाए तो बन जाते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स, एज द नेम सजेस्ट, प्रोटियो फॉर प्रोटीन एंड ग्लाइकन्स फॉर ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स. ये मेनली ग्लाइकन्स है, ऑल्दो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पार्ट दोनों है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट, इसलिए ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट नेचर होता है, फंक्शन होता है ग्लाइकन्स का. इनको कॉमनली बोला जाता है म्यूको प्रोटीन्स. ऑन द अदर हैंड ग्लाइको प्रोटीन्स, ग्लाइको प्रोटीन अगेन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच होती है तो उसको बोला जाता है ग्लाइको प्रोटीन्स. ये मेनली प्रोटीन्स है. अब इसमें भी प्रोटियोग्लाइकन्स में भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन में भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटियोग्लाइकन में जो मेन जो डोमिनेंट पार्ट है वो ग्लाइकन्स है, और ग्लाइकोप्रोटीन में जो डोमिनेंट पार्ट है वो प्रोटीनेशियस है. ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सर्विस के ऊपर देर आर मेनी ग्लाइकोप्रोटीन्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर पॉलीसेक्राइड्स विच आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज. आरबीसीज में जो एंटीजेंस होते हैं हमें पता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ बी ए बी या ए होता है, सो द डिफरेंट एंटीजेंस भी जो हैं पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो वहाँ पे भी हमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, गैलेक्टोज, फ्यूकोज, बहुत सारे ऐसे पॉलीसेक्राइड्स देखने को मिलते हैं. एंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंस इन द पॉलीसेक्राइड, जो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं, या हम कह सकते हैं जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है. I hope this video is useful for you. Thank you for watching the video.